आज देखते हैं हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा। आप समझ लें कि वैदिक कालीन शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा भी कहलाती है, और प्राचीन भारतीय शिक्षा में आपको वैदिक कालीन शिक्षा देखने को मिलता है और बौद्ध कालीन शिक्षा देखने को मिलता है। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख बातें देखें तो यह पूर्णतया आपको धर्म से प्रभावित दिखती है। यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड जैसी बातें होती है, आध्यात्मिक तत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, और वैदिकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही रहा ईश्वर और धर्म के प्रति अनुराग को जागृत करना और धर्म के माध्यम से चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति के शारीरिक अवस्था को जागृत करना, और इन सबों के साथ साथ इनका उद्देश्य कहीं न कहीं सामाजिक भावना को, सामाजिक चेतना को विकसित करना भी रहा। वैदिक युग में स्त्रियों को भी शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था, यद्यपि कि सभी स्त्रियों को नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय कि कई ऐसी विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने इतिहास में अपना अमिट छाप छोड़ी। आपने गार्गी का नाम सुना होगा, आपने मैत्रेय का नाम सुना होगा, ये सभी विदुषी महिलाएं वैदिक कालीन शिक्षा की देन है।